वक्त आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एमपी विधानसभा बजट सत्र का ये दूसरा दिन है, कार्यवाही अभी चल रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, कल विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट, तो कल बजट पेश होगा। आज विधानसभा में विशेष प्रश्नकाल रखा गया है, कई प्रश्न जो है पेश किए जाएंगे और आज सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ महिला विधायक ही सवाल पूछेंगी। तो ये बड़ी बात है इसके अंदर कि आज सिर्फ महिला विधायक ही प्रश्न पूछेंगी। एमपी विधानसभा बजट का ये दूसरा दिन है और कल बजट पेश होना है, सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, कल विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आज महिला दिवस है, ऐसे में आज विधानसभा के अंदर विशेष प्रश्नकाल रखा गया है। विशेषता यह है कि सिर्फ आज महिला विधायक ही सवाल पूछेंगी। तो महिला दिवस है तो ऐसे में महिला दिवस ही सवाल जो है वो पूछती हुई नजर आएंगी। तो विशेष सत्र है आज का, एमपी विधानसभा बजट सत्र का ये दूसरा दिन है। हालांकि ये दिन जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है। सदन में फिलहाल दिवंगत जो लोग रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, फिर शुरू की जाएगी। प्रभु पटेरिया जो हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभु जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि सिर्फ महिला विधायक ही आज सवाल पूछेंगी, आज महिला दिवस भी है, तमाम जानकारियां आपसे चाहेंगे। जो महिला दिवस पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक नया प्रयोग किया है कि तमाम महिला विधायकों का सवाल करने का मौका दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की कारकेट में भी महिला है, महिला मार्शल विधानसभा में तैनात की गई है। यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा कर्मी, उनकी वाहन की चालक भी आज महिला रखी गई है। तो एक तरीके से कहे कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश सरकार लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आधी शक्ति जिसको कहा जाता है वो बराबरी की हकदार है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार आगे लगातार प्रयास करती रहेगी।